सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। क्षमा केवल गलती का मरहम हो सकता है, विश्वास तोड़ने का नहीं। इसलिए जीवन में ध्यान रहे कि हम कोई गलती भले ही करें पर किसी का विश्वास ना तोड़े, क्योंकि माफ करना फिर भी सरल है पर भूलना व पुनः विश्वास करना असंभव से कम नहीं। सौभाग्य को यदि ढूंढना है तो वह परिश्रम के साथ खड़ा नजर आएगा। आज का पंचांग 30 अप्रैल 2022 दिन शनिवार, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष के अमावस्या तिथि, रात्रि 1:57 तक रहेगी। इसके उपरांत प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अश्विनी नामक नक्षत्र रात्रि 8:13 तक रहेगी। इसके उपरांत भरणी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:11 से 10:46 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:58 से 12:49 तक रहेगा। आज चंद्रमा मेष राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य भी मेष राशि पर ही रहेंगे। सिंह राशि 30 अप्रैल 2022 दिन शनिवार, महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए आपके ध्यान की जरूरत है। किसी डील के अंत के लिए अभी आपको बैठकों या अनुबंधों में शामिल होना पड़ सकता है। घर पर किसी भी मतभेद को हल करने के लिए आप अपने सबसे नजदीकी लोगों की जरूरतों पर ध्यान दें। हर तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए आज आप पूरी तरह से तैयार हैं। परिवार की ओर से कुछ समस्याएं आ सकती है किंतु आपके विवेक और आत्मविश्वास से सब कुछ सही हो जाएगा। नई कार्य रीति नए विचारों और योजनाओं से बनाई जाती है, इसलिए अपनी विचार शक्ति को कभी भी कम न होने दें। पिछले कुछ समय से कोई अटका हुआ फाइनेंस संबंधित कार्य हल हो सकता है, इसलिए प्रयासरत रहें। साथ ही पैतृक प्रॉपर्टी से संबंधित कोई मामला चल रहा है तो आज उसके बारे में विचार विमर्श करने का उचित समय है। आपके द्वारा लिए गए निर्णय का असर पारिवारिक जीवन पर किस प्रकार हो रहा है, इसका अवलोकन आपके द्वारा किया जाएगा, लेकिन यह निर्णय भी लेना आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। किसी एक बात को सुलझाकर उस पर टिके रहना आपके लिए जरूरी होगा। व्यापार से जुड़े लोगों को बड़ा फायदा प्राप्त हो सकता है, खास करके जब वाद व्यापार के विस्तार से संबंधित हो तो दिन महत्वपूर्ण साबित होगा। सावधानियां, आपका जरा सा भी क्रोध आपके बनते हुए कामों को बिगाड़ सकता है। समय अनुसार अपने व्यवहार में भी परिवर्तन लाना जरूरी है। अनजान व्यक्तियों से कोई भी संपर्क ना रखें। बात करते हैं लव लाइफ की। परिवार के बीच का संघर्ष आपके रोजाना के जीवन को प्रभावित करेगा। जीवन का दूसरा नाम परिवर्तन है, इसीलिए नया वातावरण आपके नीरज जीवन को खुशनुमा बना सकता है। आप दोनों के प्यार का इंद्रधनुष आज गुलाबी दिन लेकर आया है, इसका पूरी तरह से आनंद लें। अपने लव लाइफ से आज एक नया मोड़ आने वाला है जिससे आप दोनों के बीच की घनिष्ठता बढ़ेगी। घरेलू जीवन में कुछ चिंता के पल आ सकते हैं, लेकिन आप उनके लिए अच्छी तरह तैयार हैं। रिश्ते में गलतफहमी कोई बड़ी बात नहीं है, किंतु उन गलतफहमियों से अपने रिश्ते में कोई अंतर ना आने देना बड़ी बात है। बात करते हैं करियर की। एकाग्रता की कमी के कारण आपके काम पर बुरा प्रभाव पड़ेगा या धन का नुकसान हो सकता है। अपने निर्णय को लेकर आज आप उदासीन होंगे, लेकिन नया वातावरण आपको नए अवसर प्रदान करेगा। कानूनी समझौते या ट्राई अप आपके दिन को मुश्किल बना सकते हैं। आज आप नई योजनाएं बनाएंगे। नई और अप्रत्याशित घटनाओं से आपके मन में नए विचार आना स्वाभाविक है। अचानक किसी यात्रा का भी योग है। घर में किसी मुश्किल से सामना हो सकता है, लेकिन आप इस स्थिति से निपटने में सक्षम हैं। सफलता की खुशी मनाना अच्छा है, पर उससे जरूरी है अपनी असफलता से सीख लेना। बात करते हैं सेहत की। असंतुलित खान पान की वजह से कब्ज व गैस की वजह से पेट में दर्द जैसी शिकायत रहेगी। योग व्यायाम भी अवश्य करें। कफ और सर्दी खांसी की तकलीफ भी हो सकती है, ध्यान रखें। आज का उपाय,
आज अब शनि भगवान जी को काली तिल चढ़ाएं शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।